हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे फोटो। तो गाइस अभी कोरोना वायरस की टाइम चल रहा है और आगे गणेश चतुर्थी आने वाला है, तो दोनों टाइम को मिलाकर एक फोटो एडिंग बनाना है। तो मैं कुछ इस टाइप का फोटो एडिंग को बनाया और ये एडिंग के लिए आपको इसी पोज पे फोटो को क्लिक कर देना है। मूर्ति को पकड़ते हुए तो फोटो नहीं उठा पाओगे, आपको सिंपल खाली हाथ पे इसी पोज पे फोटो को क्लिक कर देना है। मैं आपको गणेश मूर्ति की पीएनजी दे दूंगा, हाथ के ऊपर लगा देना है। और ये एडिंग के लिए जो भी स्टॉक एंड पीएनजी यूज करने वाला है हमेशा का डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, जाकर सिंपल से डाउनलोड कर देना आपको। और वीडियो को एंड तक देख देना, बिल्कुल स्किप मत करना। अगर स्किप करोगे तो स्टेप बाय स्टेप नहीं समझ पाओगे। और चैनल में अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर कीजिए, ताकि ऐसे ही न्यू कॉन्सेप्ट का फोटो आप मिस ना करें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसी पोज से फोटो को उठाने के बाद आपको बैकग्राउंड को इरेज कर देना है। तो मैंने पहले से बैकग्राउंड इरेज करके रखा है आपका टाइम वेस्ट नहीं करने के लिए। अगर आपको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता तो पहले से वीडियो बनाकर रखा है, जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड इरेज करने के बाद आपको क्या करना है, ये बैकग्राउंड को डाउन कर देना है। आपको बैकग्राउंड को शेयर कर देना है पी साइड के अंदर। तो यहाँ पर बैकग्राउंड को शेयर कर देते हैं। यहाँ पर आपको शेयर करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पी साइड के अंदर ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आपको, यहाँ पर पहले हमें बैकग्राउंड बनाएंगे, तो यहाँ पर आपको ऐड फोटो चलाने जाना है। तो आपको ऐड फोटो जाने के बाद आपको एक कोरोना वायरस को पीएनजी को ऐड कर देना है। तो यहाँ पर आपको ये पीएनजी को मैं खुद बनाया है, तो फ्रेंड्स लाइक तो बनता है। यहाँ पर आपको ये पीएनजी को क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर फुल स्क्रीन कर देना है। तो यहाँ पर फुल स्क्रीन करने के बाद आपको राइट पर क्लिक करके बैग जाना है। तो यहाँ पर बैग चलते हैं, बैग जाने तक फिर से 8 फुट पर चल जाना है। 8 फुट जाने के बाद आपको क्या करना है, ये कोरोना वायरस पीएनजी को फिर से ऐड कर देना है। तो ये पीएनजी को, अलग सा पीएनजी को आपको ऐड कर देना है। यहाँ पर भाई फुल स्क्रीन कर देना है। तो ये फुल स्क्रीन पे कर देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको राइट पर क्लिक करके बैग जाना है। बैग जाने तक फिर से 8 फुट पर क्लिक करके यहाँ पर आपको मॉडल को ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैं मॉडल को ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर आपको ये पीएनजी को ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैं ये बैकग्राउंड इरेज वाला पीएनजी को ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये मॉडल को आपको, आप तो खाली हाथ पे फोटो को क्लिक करते होगी, यहाँ पर आपको मैं मूर्ति की पीएनजी दे दूंगा, आपको भी हाथ में पकड़ लेना है। तो आपको यहाँ पर बीच में आज करने वाला आपको क्या करना है, यहाँ पर बैग जाना है। तो मैं बैग चलता हूँ, बैग जाने वाला आपको क्या करना है बताता हूँ आपको। यहाँ पर आपको 8 फुट पर चला जाना है। 8 फुट जाने में आपको लाइट का पेंज लाएंगे। तो यहाँ पर आपको लाइट का पेंज को सिलेक्ट कर देना है। तो ये लाइट का पेंज को ऐड करने में आपको यहाँ पर राइट की तरफ, यहाँ पर आपको कॉर्नर पर लगा देना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, ब्लेंड करके स्किन कर देना है। तो यहाँ पर ब्लेंड करके स्किन करने में आपको बड़ा करके यहाँ पर आपको कॉर्नर की तरफ लगा देना है। यहाँ पर आपको ओपेसिटी को थोड़ा कम कर देंगे। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ चला जाना है, ऊपर की तरफ आपको ओपेसिटी टूल पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ओपेसिटी रखना है सब, यहाँ पर 66 रखते हैं। उसके बाद आपको राइट पर क्लिक करके बैग जाते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, 8 फुट चल करके एक 60 का पेंज लाएंगे। तो ये 60 का पेंज को सिलेक्ट कर देते हैं। ये 60 का पेंज को आपको फुल स्क्रीन कर देना है। यहाँ पर आपको फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद आपको क्या करना है, ओपेसिटी थोड़ा कम करके यहाँ पर रखते हैं 72। उसके बाद आपको राइट पर क्लिक करके बैग जाना है। तो यहाँ पर आपको बैग आने में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये टेक्स्ट या पेंजू को ऐड करना है। तो ये टेक्स्ट या पेंजू को ऐड कर देते हैं। यहाँ पर आपको लेफ्ट की तरफ कॉर्नर की तरफ लगा देना है। तो यहाँ पर आपको कॉर्नर पर लगा देते हैं। यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ मेरी तरह आपको एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इमेज को सेव कर देना है। यहाँ पर आपको लाइट रूम पर ओपन करेंगे कलर करेक्शन के लिए। तो यहाँ पर आपको सेव कर देना है इमेज को। यहाँ पर आपको राइट पर क्लिक करके बैग जाना है। बैग जाने तो आपको क्या करना है, ड्रॉ टूल पर चले जाना है। तो ड्रॉ टूल पर चलते हैं। ड्रॉ टूल पर आने बाद आपको 3 डॉट पर क्लिक करके सेव कर देना है इमेज को। सेव करने बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लाइट रूम पर इनपुट कर देना है इमेज को। तो मैं पहले से इनपुट कर दिया हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सूरज आइकन टूल पर क्लिक करके ब्राइटनेस टूल पर, यहाँ पर आपको कॉन्ट्रास्ट को 15 रखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर हाईलाइट्स को 15 रखेंगे। उसके बाद आपको शैडो को 8 रखना है, +8। उसके बाद आपको व्हाइट्स को यहाँ पर 46 रखना है, -46। उसके बाद कलर्स पर क्लिक करके यहाँ पर आपको मिक्स पर चला जाना है। और पहला कलर की सैचुरेशन को यहाँ पर प्लस रखेंगे, 12 रखना है। उसके बाद सेकंड कलर के लुमिनस को प्लस रखना है, यहाँ पर 12 रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ब्लू कलर पर क्लिक करके यहाँ पर आपको लुमिनस को प्लस कर देना है, यहाँ पर आपको 24 रखना है। उसके बाद डन करके बैग जाने, बैग जाने आपको टेम्परेचर को यहाँ पर प्लस रखेंगे, +2। उसके बाद आपको टीन को यहाँ पर -4 रखना है और ब्राइटनेस को थोड़ा प्लस करेंगे 18 के आसपास। उसके बाद आपको इसी टूल पर क्लिक करके यहाँ पर आपको क्लैरिटी देना है। यहाँ पर आपको क्लैरिटी आपको 36 रखना है और बिगनेट को माइनस करना है। यहाँ पर आपको मिड पॉइंट को भी माइनस करना है और फेदर को प्लस करना है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा, यहाँ पर आप बिगनेट को, फेदर को प्लस करते हैं और बिगनेट को माइनस करते हैं। यहाँ पर आपको -27 रखना है और यहाँ पर यहाँ पर 19 के आसपास रखना है और मिड पॉइंट को भी थोड़ा माइनस करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे। उसके बाद आपको फेदर को 80 के आसपास रखना है। और उसके बाद इसी टूल पर क्लिक करके यहाँ पर आपको शार्पनेस देना है आपको 45। देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर बहुत बड़ी एडिटिंग हो चुकी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सही न्यू कॉन्सेप्ट का फोटो आप मिस ना करें। तो आपको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में।